हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। आज की इस नाइन्थ की मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यानी कि कार्तीय तल पर आधारित सवाल। आपका एक्सरसाइज 3.2 होगा क्लास नाइन्थ की मैथ। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप देख लो एनसीईआरटी बुक अगर आप लिए हो तो उसमें देखो लिखा हुआ है पहला सवाल क्या कहता है। कह रहा कि कार्तीय तल में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटर्न प्लेन ऐसे कुछ बोलते हैं ना, देख लेना बताना ठीक है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। भैया ये क्षैतिज वर्ड लिखा है, एक ऊर्ध्वाधर लिखा है। क्षैतिज का मतलब होता है इसे लाइन, ठीक है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कालम, ये खड़ी खड़ी। तो जो लाइन ये खड़ी खड़ी वाली इसका क्या नाम है, और जो ऐसे इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है वाई अक्ष और इसका क्या नाम है यक्ष अक्ष। तो हो गया उत्तर। अब आप उत्तर में लिखो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्रमशः यक्ष अक्ष और वाई अक्ष हैं, ठीक है। हो गया, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष हैं। दूसरा कह रहा है, हाँ दूसरा क्वेश्चन इसी में सेकंड है। ये तो फर्स्ट हो गया भैया, फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। मतलब एक ये दादाजी हैं, इनके कई बच्चे हैं, तो ये पहला बच्चा था, ठीक है। ये दूसरा वाला देखो, इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि इन रेखाओं से बनने वाले इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसके प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, बताओ। यही तो पूछ रहा है ना, इन रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो भैया इन रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं। लिख दो उत्तर, इन रेखाओं से बनने वाले प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक। और ये क्या है, सेकंड चतुर्थांश है, ये थर्ड चतुर्थांश है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। हो गया, ये भी कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट कह रहा है उस बिंदु का नाम बताओ जहां पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं, मींस इंटरसेक्ट करती हैं, उन बिंदु का नाम बताओ भैया। तो ये दोनों रेखा कहां काटती हैं एक दूसरे को, 36 का आंकड़ा इनका कहां पे होता है, धड़ाधड़। देखो ये यहां से आती यहीं पे आके लड़ जाती हैं। ये क्या है, चौराहा है। चौराहा नहीं बोलते मैथ में इसे बोलते हैं क्या, मूल बिंदु बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, उत्पत्ति का स्थान। इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये क्या है, मूल बिंदु, लिख लेना। इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसके बाद 3.2 का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। उसके पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन करना और हमारे साथ बने रहना। अगर आप नाइन्थ की मैथ पढ़ना चाहते हैं तो तुरंत इतना कर लीजिए, जल्दी से जल्दी। क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 3.2 ही चल रहा है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसे चित्र बना होगा, नहीं बना तो बना लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है साथियों, इसमें कई पार्ट हैं दूसरे के। क्वेश्चन नंबर दूसरा का इसमें 8 पार्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि बिंदु बी के निर्देशांक बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। देखो पहली क्लास में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, इसका बेसिक बता चुका हूँ, निर्देशांक क्या होता है, कैसे लिखते हैं, सब बताया हूँ ना। तो बी का निर्देशांक बताना है पहले, इसमें खोजो बी है कहाँ, है बी कहीं या नहीं है, कहाँ है, ये है। तो बंदा ये मिल गया, कहाँ पे है ये, यहाँ पे है बी। इसका निर्देशांक क्या है, चलो देखते हैं। निर्देशांक हम जो क्षैतिज होती हैं उनको यक्स के अनुसार चलते हैं और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं वाई के अनुसार चलते हैं। तो निर्देशांक हम हमेशा यक्स कामा वाई के रूप में लिखते हैं। तो भैया पहले यक्स वाले पे खोजो, देखो ये है मूल बिंदु, यहाँ से हम चलेंगे किधर, हमारा जहाँ टारगेट इधर है, तो इधर आएंगे तो माइनस में है यक्स, क्या है, माइनस में है। देखो ये कहाँ तक आता, 5 तक आ रहा, माइनस 5 तक, यानी माइनस 5 तक आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 यक्स के जगह पे, वाई पे बात करते हैं, ये ऊपर भी गया है लेकिन कितना पॉइंट गया है, यहाँ से देखो 2 ना, यानी कि 5 के जो निर्देशांक हैं, सॉरी बी के जो निर्देशांक है कोऑर्डिनेट, माइनस 5.2 हैं, कितना हो गया, माइनस 5.2। उत्तर लिख लो, आंसर बिंदु बी के निर्देशांक -5.2 हैं। हो गया, लिख लो जल्दी से। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों, बिंदु सी के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ऑफ सी। देखो सी है कहाँ, यहाँ पहले खोजो, है ये है सी, मिल गया ना। तो सी के निर्देशांक क्या होंगे,
देखो ये मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ, ये जरूरी नहीं इसी चतुर्थांश में होगा, ये तो मैं केवल आंसर लिख रहा हूँ, ये मत सोचना चतुर्थांश के अकॉर्डिंग मैंने लिख रहा हूँ, नहीं तो यहाँ नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया, सेकंड का आंसर देखो यहाँ, सेकंड का भी लिख दे रहा हूँ, वहीं लिखूँगा सी का निर्देशांक, पहले यक्स और फिर वाई, तो यक्स पे चलो। हम क्या करते हैं, जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है उसको देखो कहाँ तक, मतलब उसकी लाइन आई है किसके सीधे तक, तो भैया ये पाँच पे जाके मिल रही है, पाँच पे ना, लेकिन ये पाँच जहाँ मैं हाथ रखा हूँ यक्स के साइड में है कि वाई, आप जानते हो जो ऐसे रेखा होती है यक्स वाली होती है, जो ऐसे होती वाई वाली होती है, तो ये यक्स वाली है ना, तो यानी कि यक्स की जगह क्या हो जाएगा, पाँच, इसको भी ऐसे लिख लो यक्स कामा वाई के रूप में, पाँच कामा वाई के रूप में, मतलब ऊपर जाए या नीचे आए, तो ये नीचे आई है ऊपर नहीं गई है, कितना आई है ये माइनस पाँच ना, नीचे माइनस में आता है ना, तो भैया ये हो जाएगा माइनस पाँच। ये मैं आपको समझने के लिए यक्स और वाई यहाँ पर लिख रहा हूँ, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। आप लिखोगे बिंदु सी के निर्देशांक बराबर बिंदु सी के निर्देशांक बराबर फाइव कामा माइनस फाइव, सही सही लिखना। अगर आपने हल्का सा गलत कर दिया, माइनस फाइव कामा फाइव कर दिया, तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। माइनस एक्स पे लगा दोगे और वाई पे क्या लगा दोगे, प्लस लगा दोगे ना, तो ये जो पाँच या सी यहाँ पे है ना भैया, ये कहाँ चला जाएगा पता है आपको, सी वाला अगर आप एक्स वाला माइनस कर दोगे तो पहला नंबर यहाँ आ जाएगा, और वाई वाला माइनस कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आके बनेगा, ये समझ में आया। अगर पाँच कामा माइनस पाँच की जगह पर आप माइनस पाँच कामा पाँच कर दोगे तो यहाँ आ जाएगा सी, फिर यहाँ आ जाएगा, मतलब वहाँ नहीं रहेगा यहाँ आ जाएगा, इसलिए चिन्ह बहुत ध्यान देना, ठीक ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से आपकी ये सभी क्लासें PBR स्टडी चैनल नंबर 3 पर चलेंगी, जिसका नाम है PBR स्टडी क्लास 9th और 10th, ये नाम है। आप देखोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको ब्लू कलर का भी दिख जाएगा, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे चैनल खुल जाएगा, या फिर उधर जो लिखा है उस पर जाके सब्सक्राइब कर लो, सर्च करके मिल जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त और 16 अगस्त से उसी पे होगी, ठीक है। हाँ, अगला सवाल तीसरा, कह रहा कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताओ, -3, -5 कहाँ जाएगा ये खोजना है, पत्ती लेकर के जूता चप्पल पहन के, -3, -5 पहले तो ये सोचो, दोनों माइनस है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है कि ये नीचे को ही जाएगा, क्योंकि इसमें ये भी माइनस होता है इधर भी माइनस होता है, मतलब इसी में आएगा, दोनों माइनस है तो तीसरे चतुर्थांश में होगा, लेकिन कहाँ तक, -3, -5 यक्स पे -3, तो भैया यक्स पे चलो -3 ये मिल गया, बच्चा मिल गया यहाँ पे यक्स पे, वाई पे -5, मतलब नीचे आओ किसको, नीचे 5, मतलब पहले से दिया, ये दिया है ना, हाँ तो लिख दो आप अपने बुक में, लिखो -3, -5 द्वारा खोजा गया बिंदु ई है, ई मतलब एलिफेंट, हाथी मोटा वाला, देखे हो ना, कौन कौन नहीं देखा, अच्छा कौन कौन देखा हाथी कमेंट करके बताना, जो जो देखा यस लिखना, यस मैंने हाथी देखा, मैंने हाथी देखा, पहले होता था ना गांव में, अगर हाथी आ गया, ऊँट आ गया, मदारी आ गया, भैया मदारी आया है, मदारी आया है, ऊँट आया है, हाथी आया है, मतलब कुछ भी आ जाए तो बहुत अच्छी खुशी मिलती थी, लेकिन आजकल मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में लोग जो नहीं चाहिए वो भी देख रहे हैं, कुछ नहीं आता है, सब मोबाइल में देख लेते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट भी हो गया, इसका आंसर ई हो गया। उसके बाद अगर हम फोर पार्ट की बात करें तो कहता है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया जगह बताओ, कौन सा फोर नंबर क्वेश्चन है, -2, -4 ये किस बिंदु पर है ये बताना है। तो +2 मतलब इधर को चलो, यहाँ पे आया, माइनस में 4 नीचे आओ 4 तक, यहाँ पे आया, ये है जी, पहले से लिखा है जी, पहले से दिया था, लिखो हाँ फोर नंबर में लिखो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु जी है, ठीक है। जी, जी मतलब गणेश भगवान है ना, गम, गम मतलब दुख नहीं, सैड नहीं, ले ही, देखे हो ना बचपन में पढ़ते थे जी फार गम, गम मतलब ले ही, और भी बहुत कुछ होता है जी से, ठीक है। तो ये हो गया आपका, चार पार्ट हो गया, पांचवा पार्ट क्या कहता है, हाँ पांचवा पार्ट बड़ा मज़ेदार है, कह रहा डी का भुज बताओ, बिंदु डी का भुज
भुज और कोटि मैंने आपको बहुत पहले बताया था, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो भैया डी का भुज, डी है कहाँ, यहाँ कहीं है भी, हाँ है, ये है। पहले इसका निर्देशांक ही ना मैं लिख दूँ, चलो देखो एक्स पे कितना है, ये 6 है, वाई पे कितना है, 2 है। तो डी का निर्देशांक 6.2 है, कह रहा भुज बताओ। तो भैया जो पहले होता है वो भुज होता है, ये क्या है, भुज है, और ये क्या है, कोटि है। हाँ, कोटी मत लिखना, बड़ी मत लगाना, छोटी लगाना बनता। तो भुज कितना है, 6, आंसर लिख दो। कौन सा नंबर है, 5 नंबर ना, लिखो। बिंदु डी का भुज 6 है, गिनती में लिख दो 6, ठीक है। तो ये हो गया डन, ओके। इसमें का पांचवा पार्ट हो गया, छठा पार्ट देखो, बुक रखे हो एनसीईआरटी की 9th की तो उसमें देखते जाओ, नहीं रखे हो तो मैं सवाल पढ़ता हूँ, लिखो ईमानदारी से कॉपी में, ठीक है। मैं सवाल बोलता हूँ क्या है ना, ध्यान से सुनो। छठा पार्ट कह रहा है बिंदु एच का कोटि बताइए, बिंदु एच का कोटि बताइए, कोटि मतलब वाई वाला पद का मान, बिंदु एच ये है। इसके निर्देशांक एक प्रकार से पूछ रहा है आपसे, डायरेक्ट रूप में नहीं पूछ रहा, इनडायरेक्ट रूप में पूछ रहा है। तो इसके निर्देशांक एक्स पे 5 चल रहा है, माइनस का 5, वाई पर कितना आया, माइनस का 3। इसके निर्देशांक 5.-3 है, कोटि पूछा था। तो भैया ये भुज है, ये कोटि है, तो लिख दो। कौन सा क्वेश्चन का आंसर था, ये छठा, मतलब दूसरे का छठा पार्ट, लिख दो। बिंदु एच का कोटि बराबर -3, हो गया। सातवां पार्ट लिखो, करा बिंदु यल के निर्देशांक बताओ, बिंदु यल के निर्देशांक बताओ। भैया यल कहाँ था, यहाँ, एल फॉर लायन, खतरनाक होता है बहुत, है भी कहीं, हाँ यल तो मुझे नहीं दिख रहा है। बिंदु यल के निर्देशांक बताओ, हाँ यल था लेकिन मैंने लिखा नहीं था, ऊपर था यल 5 पे, यहाँ पे यल था, यहाँ पे क्या था, यल, ये यल है। कह रहा बिंदु यल के निर्देशांक बताओ, देखो ये इसी बिंदु पे चपका हुआ है, मतलब वाई पर तो ये 5 चला गया लेकिन एक्स पर इसकी हिम्मत नहीं पड़ी किसी तरफ को जाने को, ना माइनस ना प्लस। तो बिंदु यल के अगर आप निर्देशांक बताओगे तो एक्स पे एक भी पॉइंट नहीं चला तो 0 हो जाएगा, वाई पे 5 चला है तो 5, और वो प्लस में गया है। बिंदु यल का निर्देशांक 0.5, ओके, अंडरस्टैंड, लिख लो जल्दी से। इस अभ्यास का और इस क्वेश्चन का लास्ट सवाल कह रहा है बिंदु यम के निर्देशांक बताओ। यम आपके चैनल पे भी यम दिखेगा जब 1 मिलियन स्टूडेंट हो जाएंगे, अभी तो 2 लाख हुए हैं, 8 लाख और होने चाहिए। यम है इसमें कहीं, खोजो खोजो खोजो, यम है, हाँ यम दिया गया था लेकिन कहाँ दिया गया था भाई, बुक में देख लेता हूँ। हाँ बिंदु तो पहले मुझे मिले, बिंदु यम जो है भैया वो 3 पे दिया गया था, -3 पे, यहाँ पे यम दिया है, मैंने लिखा नहीं था आपके क्वेश्चन में, देखो बुक में दिया यम। इसका निर्देशांक पूछा है इसका, तो यक्स पे कितना आ रहा, -3, यक्स पे कितना आ रहा, -3, और वाई पे, वाई पे किच्चो नहीं बढ़ रहा, रच्ची नहीं बढ़ रहा, अगर थोड़ा नीचे बढ़ता तो नीचे आ जाता, ऊपर बढ़ता तो ऊपर, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है, तो 3.0 हो जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर इसमें 2 दिए गए थे, दोनों के सभी पार्ट हो चुके हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी, आपने देखा ये डेमो क्लास। अगर आपको कंप्लीट कोर्स जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप PVR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए और पढ़ते रहिए। अगर आप ऐसे ही छोटी छोटी क्लास हर दिन देखना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल को सब्सक्राइब करिए, PVR स्टडी क्लास 9th और 10th इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए और पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे से आपकी ये क्लास चलेगी, इस चैनल पे भी, उस चैनल पे भी, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.3 लेकर के, ठीक है, 3.3 देखना अगली क्लास में, ठीक है, ओके।